हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम इतिहास का सारे इंपॉर्टेंट MCQs को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। हमारा दो टॉपिक कवर हो चुका है, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा आज का टॉपिक है वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता थे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, विश्वामित्र। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल है, ठीक है? 10 मंडल को आप 10 चैप्टर भी समझ सकते हो। उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है और इसकी जो रचना की है वो की है ऋषि विश्वामित्र ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र। देखिए दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो सबसे लोकप्रिय देवता है वो है इंद्र। अब उत्तर वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता कौन है वो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन देखिए, इंद्र ही केवल एकमात्र देवता नहीं है ऋग वैदिक काल के, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे देवता हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। जैसे कि है अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, सूर्य, अश्विनी, ईश्वर, पृथ्वी। ये सारे देवताओं की स्तुति की गई है किसमें? ऋग्वैदिक साहित्यों में, ऋग्वेद में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने क्या बताया, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो 10वें नंबर का जो मंडल है ना, 10वें मंडल में, उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जहां पर मनुष्य जाति को 4 वर्ण में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है? जब ऋग्वैदिक काल होता है तो मनुष्य को जो 4 वर्ण में बांटा गया है वो कर्मों के आधार पर बांटा जाता है। और जब समय आगे बढ़ता है और उत्तर वैदिक काल आता है तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में मंत्रों का कुल संग्रह कितना है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1028। कुल 1028। देखिए यहाँ पर मंत्र बोला गया है, इसको सुक्ति भी बोल सकते हैं। 1028 सुक्ति है। मंत्रों की संख्या तो बहुत अधिक है, 10462 तक मंत्र हैं कुल। तो अगर आपको ये पूछे कि कुल सुक्ति कितनी है तो याद रखिएगा 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूली का उपयोग किस रूप में किया जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समय। देखिए गोधूली बेला तो आप सुने ही होंगे, अधिकतर हिंदू संस्कृति में गोधूली बेला में पवित्र काम किए जाते हैं, जैसे कि विवाह का काम हो, गृह प्रवेश हो, पूजा पाठ करना हो। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये शाम का समय होता है, जब सूर्य जो होता है वो डूब रहा होता है ना, उस समय के समय को कहा जाता है गोधूली। अब ये गोधूली शब्द आया कहाँ से है? तो देखिए गोधूली जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, गो और धूल। गो का मतलब होता है गौ, गाय, और धूल का मतलब होता है वो धूल, आप जानते हो ना। तो क्या होता था पुराने समय में ऋग्वैदिक काल में, गाय सुबह सुबह जो है वो चरने निकल जाती थी बाहर की तरफ, और शाम के समय वो लौटती थी। तो जब सारी गाय एक साथ लौटती थी तो उनके चलने से धूल उड़ता था, और इससे लोगों को पता चल जाता था कि हाँ अब शाम हो गया है, क्योंकि गाय जो है वो लौट रही है। इसलिए ये गोधूली जो बेला है ना, गोधूली, वो शाम के समय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो पहले ही बताई हूं मैं, ऋग वैदिक काल में कौन है? इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में होंगे प्रजापति। माना जाता है कि जो प्रजापति हैं वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लौह तकनीक। देखिए ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज जो है वो हो चुकी है, लेकिन उपयोग इतना अधिक होता है उत्तर वैदिक काल में। जब उत्तर वैदिक काल में लोहे का बहुत अधिक उपयोग होता है तो कृषि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। पहले कृषि के जो औजार होते थे वो ज्यादातर पत्थर और लकड़ियों के बने होते थे। जब लोहे की खोज होती है तो पत्थर और लकड़ी का स्थान जो है वो लोहा ले लेता है, ठीक है? मतलब कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है ये समझिए, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ कौन से ग्रंथ है? अथर्ववेद में।
दो शब्द का उपयोग बहुत बार हुआ है, एक है लोहायस और दूसरा है श्याम अयस। ठीक है, अब देखिए ये लोहायस का मतलब नहीं है लोहा, लोह शब्द का उपयोग तो तांबे के लिए किया जाता है, जबकि ये जो श्याम अयस है ना, इसमें श्याम शब्द जो है वो लोहे के अर्थ में किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो श्याम अयस है उसका उपयोग लोहे के लिए किया जा रहा है। क्लियर है बिल्कुल? कृषि की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में किसका योगदान है? लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? 18 पुराण है। अब 18 पुराण में हम देख लेते हैं कौन कौन से पुराण है यहाँ पर, लेकिन याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन पुराण जो है ना वो है अग्नि पुराण। और देख लेते हैं ये 18 पुराण कौन कौन से हैं। विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म, वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और भविष्य। ये 18 पुराण है हमारी संस्कृति में, जिसमें से सबसे पुराना पुराण कौन सा है? अग्नि पुराण। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित रूप से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है, और फिर यजुर्वेद को दो और भागों में बांटा गया है, मतलब यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ये चीज आपको याद रखनी है, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं कौन कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीन काल प्रमाण प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अतरंज खेड़ा। दोस्तों ये अतरंज खेड़ा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है ना, उसी के अंतर्गत आता है। वहां गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित है ये अतरंज खेड़ा, और इसकी जो खोज है वो 61-62 में की थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। तो ये जो आपको ब्लू लाइन का फैक्ट दिया गया है, इससे ही खुद अपने आप में बहुत सारे एमसीक्यूज तैयार हो सकते हैं, जैसे कि अतरंजी खेड़ा कौन से जिले में स्थित है, अतरंजी खेड़ा जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, या काली नदी किसकी सहायक नदी है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अतरंजी खेड़ा की खोज किसने की। तो देखिए थोड़ा सा फैक्ट में भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ऑप्शन ए, कणाद। देखिए महर्षि कणाद के बारे में आप एक चीज ध्यान में रखिए, आप न्यूटन के तीन नियम तो जानते होंगे ना, न्यूटन के गति के नियम, तीन नियम दिए थे उसने। तो न्यूटन का नियम तो बहुत नया है, महर्षि कणाद जो है वो कई साल पहले गति का नियम दे चुके हैं। वो गति और शक्ति इन दोनों के बीच में संबंध बताए थे अपनी एक रचना वैशेषिक सूत्र में। ठीक है, और आप परमाणु के बारे में भी जानते हो कि परमाणु की खोज डॉल्टन ने की है, डॉल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, ये क्लास 9-10 में पढ़ा जाता है, परमाणु का डॉल्टन सिद्धांत, या फिर ये बोलते हैं ना डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो वो तो बिल्कुल नया है, अभी अभी का खोज है वो। महर्षि कणाद ने कई हजार साल पहले परमाणु सिद्धांत दे दिया था, इसीलिए तो महर्षि कणाद को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? महर्षि कणाद को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद में पुरुष सूक्त सम्मिलित है? तो हम देख चुके हैं पुरुष सूक्त किस में सम्मिलित है, ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है, जिसमें मनुष्यों को चार वर्ण में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है? वेदांत, वेदांत मतलब क्या होता है पता है? वेदों का अंत, इसे कहा जाता है वेदांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपनिषद। देखिए उपनिषद जो है ना वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग और सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादक है। मतलब ये है कि उपनिषद की रचना जो है वो सबसे अंत में की गई है, और इसलिए इसको वेदों का अंत भी कहा जाता है, शॉर्ट में अगर बोले तो वेदांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? सही आंसर क्या है इसका? गायत्री मंत्र ऋग्वेद, हम देख ही चुके हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई, और इसकी रचना किसने की है? महर्षि विश्वामित्र ने।
ये क्वेश्चन जिसमें ग्रीन स्टार लगा है वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, उसको आप लोग कमेंट में आंसर करके बताओगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वाजपेय यज्ञ की क्रियाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप मुझे बताइए कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवत गीता अंश है, किसका अंश है ये? महाभारत, ऑप्शन डी। आप जानते ही होंगे ना, भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को भगवत गीता सुनाते हैं, कुरुक्षेत्र हो महाभारत हो रहा होता है, कुरुक्षेत्र का मैदान रहता है, अर्जुन जो होता है वो मना कर देता है कि मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अपने ही रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, बाण नहीं चलाऊंगा। तो फिर क्या होता है, भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाते हैं और भगवत गीता का पाठ सुनाते हैं। तो भगवत गीता किसका अंश है? ये महाभारत का ही अंश है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तमसोर मा ज्योति गमया कथन है किससे लिया गया है ये? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपनिषद से। ये श्लोक आपको याद होगा, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युम मा अमृतम गमया। ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और कौन से उपनिषद से लिया गया है? अगर और डीप में क्वेश्चन पूछ दे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृहद अरण्यक उपनिषद से। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि तमसोर मा ज्योति गमया कौन से उपनिषद से लिया गया है? वृहद अरण्यक उपनिषद। आगे जब हम और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर में तो इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? इसका सही आंसर क्या है? मुंडोक उपनिषद की। सत्यमेव जयते सूत्र वाक्य मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, मुंडोक उपनिषद में ये मंत्र का नंबर याद रखिए 3.1.6, ये पूरा एक मंत्र है। जैसे कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वितो देवयाना, और भी आगे है, पूरा डिटेल अभी नहीं पढ़ रही हूं। तो इसमें से केवल दो शब्द को लिया गया है, सत्यमेव जयते, और ये हमारा क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय नारा है। कब कब इसको राष्ट्रीय नारा के रूप में घोषित किया गया था? सब 26 जनवरी 1950 को। तो ये फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मनुस्मृति। देखिए, अष्टांग योग में कौन कौन आते हैं हम ये भी देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग अष्टांग योग का अंग है। नाम से समझ में आ रहा है ना, अष्टांग, 8 अंग। क्लियर है? मनुस्मृति जो है इसका अंश क्या है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता है? तो देखिए, वैदिक काल में पणि कहा जाता है जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारी वर्ग से संबंधित है उनको कहा जाता है पणि। तो इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जिनका व्यापार पर नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किस नाम से जाना जाता है? पहले ही देख चुके हैं ना, उपनिषद सबसे अंत में इसकी रचना की गई है, वेदों का अंत। सही ऑप्शन क्या है इसका? वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध 10 कबीला के शासकों ने वैदिक काल में दशराग्य युद्ध लड़ा था? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, सुदास। और इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो देखिए, 10 राजन युद्ध एक युद्ध था, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यहां से एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि दशराग्य युद्ध जो था उसकी जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलती है? तो 7वें मंडल से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रावी नदी का वैदिक नाम है क्या? है रावी नदी का वैदिक नाम? परुष्णी। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं, रावी नदी के बारे में। तो रावी जो है उत्तर भारत में बहने वाली नदी है, इसको लाहौर नदी भी कहा जाता है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है ये भी देखते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है कौन सी नदी? रावी नदी। अब ये हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब से होते हुए कहाँ चली जाती है? ये पंजाब पाकिस्तान में चली जाती है, और वहां पर वो चिनाब नदी से मिल जाती है। क्लियर है? तो ये जो आप एडिशनल फैक्ट है उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये जो ग्रीन स्टार है ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? सेम इसका आंसर आपको कहाँ देना होगा? कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में किस स्त्री का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है लोपामुद्रा। देखिए होता क्या है, अभी अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो अगर हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होता है, जैसे कि सत्यनारायण की पूजा है, या जो विवाह करवाने वाले पंडित होते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भागवत होता है, तो उसको करवाने के लिए एक पंडित होता है। मंत्र पढ़ने वाला कौन होता है? पंडित होता है, पुरुष होता है। महिलाएं होती है क्या? महिलाएं नहीं होती है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो मंत्र पढ़ती थी उसमें महिलाएं भी होती थी। यहां तक मंत्रों को लिखने वाली भी महिलाएं ही हुई हैं, और उसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है लोपामुद्रा। मुद्रा है ना ये, लोपामुद्रा। अब ये जो लोपामुद्रा थी ये कौन थी? ये विदर्भ राज की कन्या थी, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये एक ऋषि की पत्नी भी थी। ऋषि थे अगस्त्य मुनि, उनकी पत्नी कौन है? लोपा मुद्रा। इनके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है हमको? ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? चार ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है हमारा श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का मतलब ही होता है महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता हमें कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी है? सरस्वती नदी। देखिए सरस्वती नदी की महिमा ना वैदिक काल में बहुत गाई गई है, इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्यों? देखिए माना जाता है कि सरस्वती नदी के तट पर ही बैठकर उस समय के जो विद्वान ऋषि मुनि थे उन्होंने वैदिक साहित्यों की रचना की है, इसीलिए तो सरस्वती माता को विद्या की देवी के रूप में पूजा किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस पूरे वीडियो में सबसे आसान सा क्वेश्चन यही है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, चार। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए इसका सीक्वेंस भी याद रखिए, ऋग्वेद, उसके बाद आएगा यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। अब ये सीक्वेंस से ही कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है। देखेंगे हम आगे कि ये सीक्वेंस से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम माते मता, देवी माता, नदी माता संबोधित किया गया है? सही ऑप्शन है हमारा सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी की महिमा बहुत गाई गई है, और सरस्वती नदी को ही माते मता, देवी माता या नदी माता कहकर संबोधित किया गया है। कारण मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्यों सरस्वती नदी को सबसे प्रमुख नदी या पवित्र नदी माना गया है, क्योंकि इसी के किनारे पर बैठकर ऋषि मुनियों ने वैदिक साहित्यों की रचना की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है? क्या है प्रस्थान त्रयी? तो देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान लीजिए कि प्रस्थान त्रयी में किसको किसको शामिल किया गया है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों मिलाकर एक साथ कहे जाते हैं प्रस्थान त्रयी। मनुस्मृति को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मनुस्मृति। ठीक है, तीन नाम क्या क्या बोली मैं, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और तीसरा क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? बिल्कुल सरस्वती नदी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सामवेद। देखिए सारे गामा पधा नीसा ये भी सामवेद से ही लिया गया है, इसको संगीत का जनक कहा जाता है इस वेद को। सामवेद में गीत और संगीत की प्रधानता है, ये चारों वेदों में सबसे छोटे आकार का है। अच्छा एक चीज और याद रखिए, इसमें 1875 मंत्र हैं, जिसमें कुल 69 मंत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, देख ही चुके हैं। अब देखिए 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं और मंत्र कितने हैं? 10462 मंत्र हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? सही आंसर क्या है, यज्ञ का उल्लेख है। अब किसमें, जादू टोने का, आयुर्वेद का, संगीत का उल्लेख है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। सब वेद का टॉपिक अलग अलग है, ठीक है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, मैं बताई थी ना कि सीक्वेंस याद रखना भी जरूरी है, सीक्वेंस से ही क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्व वेद, और सबसे प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, निष्क का मतलब क्या होता है, स्वर्ण आभूषण। ऋग्वैदिक काल में निष्क स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था, ऑप्शन बी गौतम ने। देखिए न्याय दर्शन जो है ना वो भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है, इसके प्रवर्तक कौन है, अक्षपाद गौतम, याद रखना है आपको, कौन है इसके प्रवर्तक, इनको प्रचारित किसने किया था, अक्षपाद गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम है, किसका नाम है त्रयी, इसका सही ऑप्शन है तीनों वेद, कौन कौन से वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को एक साथ कहा जाता है त्रयी, किसको, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो इसका सही आंसर हम जानते ही हैं, तीसरे मंडल में ऋग्वेद की रचना की गई है, ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, ठीक है। सामवेद में किसका उल्लेख है, संगीत का उल्लेख है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, ऑप्शन सी 108, 108 उपनिषद हैं, लेकिन इसमें 13 जो है वो प्रमुख है। कुछ के नाम हम देख लेते हैं, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद। मैंने संधि विक्षेप करके पढ़ा है इसलिए ऐसा उच्चारण आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्याकरण का सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। देखिए अब ये जो अष्टाध्यायी है ना, इसी से एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, तो देख लीजिए ये वाला देख लीजिए, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है, तो कौन है इसके रचयिता, पाणिनि, ठीक है, महर्षि पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के रचयिता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय है, ये संस्कृत का ग्रामर है ये एक्चुअली में, ठीक है। बच्चों आप लोगों को एक अपडेट देनी है, हमारी एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जनवरी से लेकर जून तक के, ठीक है। आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन में ये बुक अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए टीका का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम ओरिजिनल वेद को देखें, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, मतलब सबसे कठिन संस्कृत है, इसको पढ़ना इसको समझना आसान नहीं है, तो इन्हीं का आसान एक्सप्लेनेशन किया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में। इसी को कहा जाता है टीका, मतलब किसी चीज को बहुत ही इजी वे में समझाना, मतलब उस पर कमेंट करना, ठीक है। तो वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में खोजी गई धातु है, क्या है, लोहा। ऋग्वैदिक काल में लोहे का खोज हो चुका था, लेकिन इसका अधिक उपयोग कब हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ है, हम देख चुके हैं, श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य, अच्छे पुरुष या स्त्री, उनको कहा क्या जाता है, आर्य। ओम कहां से लिया गया है, ओम वेद से लिया गया है, ठीक है। जैसे कि हम एक मंत्र ही देख लेते हैं, गायत्री मंत्र, जिसकी रचना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ये भी ओम भूर्भुवस्व, ओम से ही स्टार्ट होता है ना, तो ओम को कहां से लिया गया है, वेदों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जौ को। देखिए जौ को संस्कृत में यव ही कहा जाता है, और ऋग्वेद में बहुत बार यव शब्द का उपयोग किया गया है, और वो जौ के लिए ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, सही आंसर है हमारा महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे,
वो कौन थे? वो पुष्यमित्र सुंग के कुलगुरु और पुरोहित थे। अब ये पुष्यमित्र सुंग कौन है? जैसे जैसे हम इतिहास का अगला टॉपिक कवर करेंगे, वहां पर आएगा एक शुंग वंश, तो शुंग वंश के शासक हैं पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। तो उसके कुलगुरु थे कौन? पतंजलि, और उन्होंने प्रतिपादन किया है योग दर्शन का। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पशुपालन। देखिए ऋग्वेदिक काल को मैंने बताया ना, वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में मुख्य व्यवसाय रहेगा पशुपालन, फिर जैसे जैसे लोहे का उपयोग बढ़ता जाएगा फिर मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि में बदल जाएगा। तो अगर ऋग्वेदिक काल ना लिखकर यहाँ पर अगर उत्तर वैदिक काल लिखा होता तो ऑप्शन ए सही हो जाता, कृषि, लेकिन यहाँ पर ऋग्वेदिक काल पूछा गया है तो ऑप्शन बी पशुपालन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेदिक काल का समय है, इसका समय जो स्टैंडर्ड लिया जाता है एनसीईआरटी द्वारा वो है ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब अगर उत्तर वैदिक पूछेगा तो उसका क्या समय है? उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बीसी भी बोलते हैं इसको, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण? याद रखिएगा ऑप्शन बी सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र में मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर इन चार ऑप्शन में किसी एक को चुनना हो तो सुलभ सूत्र जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सामवेद। जानते ही ना हम सामवेद, इसी में तो संगीत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? देखिए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसको बोला जाता है अनुलोम विवाह। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, उच्च वर्ण का पुरुष होगा और निम्न वर्ण की स्त्री होगी। अब ठीक अनुलोम विवाह का उल्टा होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में लड़की जो होती है ना स्त्री, वो उच्च वर्ण की होती है और जो लड़का होता है पुरुष वो निम्न वर्ण का होता है, तब उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह, क्लियर है। इसकी जानकारी जो है वो भी ऋग्वेद में ही मिलती है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? यहां पर क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनु। सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर जो है वो हम मौर्य काल में पढ़ेंगे, कब? जब चंद्रगुप्त का समय आएगा और चाणक्य भी चंद्रगुप्त के ही समय में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये तो हम देख चुके हैं, अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया, ये हमें उपनिषद से मिलता है, उपनिषद से इसको लिया गया है। कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, याद रखिएगा ऑप्शन बी कैके देश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कौन है? महर्षि कणाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महर्षि कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। देखिए अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद है और इसमें ना मनुष्य के सामाजिक जीवन से जुड़े हुए विषयों को लिया गया है जिसकी आवश्यकता मनुष्य को सबसे ज्यादा पड़ती है, जैसे कि रोग निवारण, बहुत सारी बीमारियों का समाधान बताया है यहाँ पर, जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में भी आयुर्वेद में बताया गया है। और क्या क्या बताया गया है? देखिए गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, पति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, पत्नियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, विवाह के नियम क्या होने चाहिए, मान मर्यादा क्या होना चाहिए, इन सबके बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए जो सही, ऑप्शन ए सही है, वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबका नाम रट लीजिएगा एक बार, 6 वेदांग है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या है? वैदिक सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या आएगा? वैदिक सभ्यता। फिर क्या आएगा? महाजनपद काल। फिर हम देखेंगे कि महाजनपद काल में एक सबसे जो बड़ा जनपद उभर कर आता है वो होता है मगध। फिर मगध के बाद आता है मौर्य काल। और इस तरीके से हमारा इतिहास जो है वो काफी लंबा चलता है। तो हमको तो टॉपिक वाइज कवर करना ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वैदिक सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीन, ये तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? देखिए प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीमद् भगवद गीता। इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन जो आया था उसमें चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब ये पूरे वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है और वो है रिवीजन। रिवीजन तो सबसे जरूरी होता है, तो जितने भी क्वेश्चन अभी हम किए हैं ना सबको एक बार एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, और जो दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दी हूं उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्लियर है? तो देखते हैं क्या है। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता थे विश्वामित्र। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में मंत्रों का एक संग्रह है। मंत्र मैं पहले ही बताई थी, इसको सूक्ति देना ज्यादा सही होगा, 1028। प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूलि का उपयोग एक माप के रूप में किया जाता था, वो समय था, समय का माप था ये। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? लौह तकनीक। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। निम्नलिखित रूप से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है? ये सामवेद नहीं है, इसका ऑप्शन सही कर लेना। कौन सा था? यजुर्वेद था ना, यजुर्वेद हमारा जो है वो दोनों रूप में है, गद्य के रूप में भी है और किसके रूप में भी है, पद्य के रूप में। इसको ठीक कर लिए, ये यजुर्वेद है, इसको ठीक कर लेते हैं, यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीन काल प्रमाण प्राप्त होता है? अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम है कणाद। निम्नलिखित में से किस वेद में पुरुष सूक्त सम्मिलित है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा गया है? उपनिषद को। प्राचीन गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन आपके लिए था कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वाजपेय यज्ञ की क्रियाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है? इसका आपको आंसर देना है। भगवद गीता अंश है महाभारत का। तमसोर्मा ज्योतिर्गमय कथन था उपनिषद का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? मुंडोक उपनिषद की। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? हमने देखा था मनुस्मृति नहीं था। वैदिक काल में पणि कहा जाता है जिनका व्यापार पर नियंत्रण हो। उपनिषद निम्न में से जाना जाता है वेदांत के रूप में। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध 10 कबीला के शासकों ने वैदिक काल में दशराग्य युद्ध लड़ा था? सुदास। रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी। निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में किस स्त्री का उल्लेख मिलता है? लोपामुद्रा। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सरस्वती नदी। वेदों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से किसका नाम माते मता, देवी माता और नदी माता संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी। निम्नलिखित में से किसे प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है? मनुस्मृति। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यज्ञ का। सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। प्राचीन भारत में निष्क कहे जाते हैं स्वर्ण आभूषण को। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। गायत्री मंत्र उल्लेख ऋग्वेद के किस
कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? संगीत का। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। वैदिक काल में खोजी गई धातु है लोहा। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ओम कहाँ से लिया गया है? वेद से। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि ने। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्र। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को नहीं, सामवेद को कहा जाता है। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी राज्य के। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि कणाद। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? सभी, मतलब वहां पर जो दिया गया है चारों ऑप्शन उन सबका उल्लेख है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसका नाम था वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? इसको याद रखिएगा, उसको श्रमण कहा जाता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो भी वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक होते थे उनको श्रमण कहा जाता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद् गीता। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों का कोई भी पॉजिटिव सजेशन है तो हमें कमेंट में बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर, कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम पूरा सीरीज लेकर आ रहे हैं, आपका कोई भी टॉपिक जो है वो छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।